हरे कृष्णा राधे राधे। कार्तिक के इस पावन समय में आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। भगवान विष्णु आपको और आपके परिवार को चांद से शीतलता, शुभता, कोमलता, उदारता और प्रेमलता प्रदान करें। अब आज इस वीडियो में आपको कार्तिक महीने में धर्मराज की कहानी बताती हूँ। बहुत ही पावन प्रसंग है। इस कहानी को रोज कहने सुनने का नियम है। आप चाहो तो सिर्फ कार्तिक के एक महीने इस कहानी को नियम से कह सुन सकते हो, और अगर चाहो तो पूरे 365 दिन का नियम ले सकते हो, जो हम धनतेरस से शुरू करते हैं और फिर धनतेरस के अगले साल धनतेरस पर ही उसका उद्यापन करते हैं। ठीक है, बहुत ही सुंदर कहानी है। प्रेम से, मन से, भाव से सुने। किसी गाँव में एक बुढ़िया रहती थी। वो बहुत नियम धर्म से व्रत रखा करती थी, खूब पूजा पाठ दान आदि भी करती। उसके सिर्फ एक बेटा बहू थे। जिस दिन उसका अंतिम दिन था तो यमदूत उसे लेने आए और उसके प्राण निकाल कर अपने साथ लेके चल दिए। अब यमदूत चलते चलते एक गहरी नदी के पास आए और बोले, माई तुमने गोदान किया हुआ है या नहीं? अब बुढ़िया माई ने देखा और उनकी बात सुनकर मन में श्रद्धा से गाय का ध्यान किया, क्योंकि उन्होंने गाय दान कर रखी थी। तो वो उसके सामने आ गई और बुढ़िया उस गाय की पूछ पकड़कर नदी पार करके चली गई। अब वो यमदूतों के साथ फिर आगे बढ़ी तो काले कुत्ते मिले। यमदूत फिर बोले, कुत्तों को खाना दिया था माई? बुढ़िया तो रोज पहली रोटी गाय को और आखिरी कुत्ते को ही देती थी। बुढ़िया ने मन में कुत्तों का ध्यान किया तो वो सभी अपने रास्ते को चले गए। अब बुढ़िया फिर से यमदूतों के साथ आगे बढ़ने लगी तो रास्ते में एक कौओ ने उसके सर पर चोंच मारनी शुरू कर दी। तो यमदूत बोले, ब्राह्मण की लड़की के सर में तेल लगाया था क्या? अब बुढ़िया ने ब्राह्मण की बेटी का को याद किया, उसका ध्यान किया तो कौओ ने चोंच मारनी बंद कर दी। कुछ आगे चलने पर बुढ़िया के पैर में कांटे छुपने लगे तो यमदूत बोले, क्या कभी खड़ाऊ जूते चप्पल दान किए हैं? बुढ़िया ने बहुत बार शैया दान कर रखी थी। संक्रांति पर वो 14 चप्पलों का भी दान कर रखा था। तो बुढ़िया ने ध्यान किया तो खड़ाऊ उसके पैरों पे आ गए। अब बुढ़िया बड़े आराम से आगे बढ़ी। चित्रगुप्त जी ने यमदूतों से पूछा कि आप किसको लेकर आए हो? यमदूत बोले, चित्रगुप्त जी इस बुढ़िया की आयु पूरी हो गई थी इसलिए इसे लेकर आए हैं। इस बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किया लेकिन धर्मराज जी का कुछ नहीं किया, इसलिए आगे द्वार इसके लिए बंद पड़े हैं। अब चित्रगुप्त जी सोचने लगे कि इसने अपनी पूरी जिंदगी बहुत अच्छे कर्म किए हैं, पूजा पाठ दान जब सब बढ़िया किया है। उसके बाद चित्रगुप्त जी बुढ़िया से बोले, माई आपने धर्म राज्य के निमित्त कुछ भी नहीं किया। बुढ़िया माई बोली, मुझे तो उनका व्रत पूजा पाठ कुछ भी नहीं पता था इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरी भूल को माफ करो। तो चित्रगुप्त जी बोले कि उनके तो 7 दिन पूजा का विधान होता है। तब बुढ़िया माई बोले कि आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए वापस धरती पे भेज दो, मैं धर्म राज्य का व्रत और कहानी कह के उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। अब चित्रगुप्त जी ने ब्रह्मा जी से बात की और विचार विमर्श किया तो बुढ़िया माई के इतने अच्छे कर्मों को देखते हुए उन्होंने उसे वापस धरती पे भेज दिया। अब बुढ़िया माई वापस धरती पर अपने गाँव में वापस आ गई। गाँव वालों ने उसे भूतनी समझ कर अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए। अब वो चलते चलते अपने घर पहुंची तो उसकी जो बहू बेटा था वो भी डर गए और उन्होंने दरवाजा बंद करके बैठ गए। अब बुढ़िया माई ने कहा, मैं कोई भूतनी नहीं हूं, मुझे चित्रगुप्त जी ने ही वापस भेजा है, मैं तो यहाँ धर्मराज की आज्ञा से वापस आई हूँ, मुझे धरती पे 7 दिन के लिए वापस भेजा है, इन 7 दिनों में धर्मराज जी का व्रत और पूजा करूंगी, उसके बाद उद्यापन करूंगी जिससे मुझे परलोक में जगह मिल जाएगी। अब बुढ़िया के बहुत समझाने पे बेटे बहू को कुछ राहत मिली, उन्होंने डरते डरते दरवाजा खोल दिया। बुढ़िया के बातों से समझकर बेटे बहू ने उनके लिए पूजा की सारी जो सामान था वो उसको इकट्ठा कर दिया। अब बुढ़िया पूजा करने बैठी तो बेटे को कहा, मेरी कहानी सुन ले। वो बोला, बाजार जाना है, देर हो रही है। उसने बहू को बोला तो बहू बोली, घर के काम करने है, खाना बनाना है। अब उसने गांव में बहुत सारे जनों को पूछा, सब ने टाल दिया उसे।
अब वो बेचारी बैठे कि क्या करे, बिना किसी को कहानी सुनाए तो कहानी सुनी पूरी नहीं होगी, है ना। तो अब उसने कहा मैं क्या करूं। तभी बुढ़िया ने देखा कि उसकी एक पड़ोसन नदी से पानी भरकर वापस आ रही है। उसने उस पड़ोसन को आवाज दी और अपने पास बुलाया और पूछा, मैं धर्मराज की पूजा कहानी कह रही हूँ, क्या तुम मेरी कहानी सुनोगी। तो वो तो बड़ा खुशी खुशी मान गई। अब बुढ़िया माई और पड़ोसन ने मिलकर बढ़िया तरीके से धर्मराज जी के निमित्त बढ़िया पूजा की कहानी कही सुनी। 7 दिन तक उन्होंने रोज ऐसा ही किया, बढ़िया पूजा करते, कहानी कहते सुनते। 7 दिन के व्रत पूजा उद्यापन के बाद धर्मराज जी ने बुढ़िया को लेने के लिए एक बहुत सुंदर विमान भेजा। अब स्वर्ग का विमान देखकर सारे के सारे जितने गांव वाले थे, उसके बेटे बहू सारे के सारे और आ गए और बोले हमें भी साथ ले चलो। तो बुढ़िया माई ने कहा, तुम कहां जाने के लिए तैयार हो रहे हो, मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने सुनी है, इसलिए वही मेरे साथ जाएगी। सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज की कहानी सुनाने की विनती करने लगे। तब बुढ़िया माई ने उन सबको कहानी सुनाई। कहानी सुनने के बाद सारे गांव वाले विमान में बैठ के स्वर्ग पहुंच गए। धर्मराज जी कहने लगे, मैंने विमान तो सिर्फ बुढ़िया को लेने के लिए भेजा था। बुढ़िया माई कहने लगी कि ये सभी मेरे गांव वाले हैं। अब हे धर्मराज, मैंने आज तक जितने भी पुण्य किए हैं उनमें से आधा पुण्य का फल आप इन सब गांव वालों को दे दो। अब वो जब फल दिया गया तो सभी गांव वालों के पुण्य बहुत बढ़ गए, क्योंकि बुढ़िया माई ने तो बहुत ज्यादा कर रखा था। अब इस तरह से धर्मराज जी ने गांव वासियों को भी स्वर्ग में जगह दी। हे धर्मराज महाराज, जैसे आपने बुढ़िया के साथ सभी गांव वालों को स्वर्ग में रहने की जगह दी, उसी तरह हमें भी देना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरने वाले सबको जगह देना। बोलो धर्मराज की जय, कार्तिक के ठाकुर की जय। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। 7 दिन नियम से इस कहानी को जरूर सुनना। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।